कहते हैं व्हेन टैलेंट एंड पैशन हैव नो लिमिट्स देन एज इज जस्ट अ नंबर। आज आपको ऐसी ही प्रतिभा की धनी नाहन की बेटी प्रतिभा से रूबरू करवाने जा रहे हैं। 49 की उम्र में प्रतिभा को दक्षिण भारत का मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू सीखने का जुनून सवार हो गया। अब कड़ी दीक्षा हासिल कर प्रतिभा खतरों की खिलाड़ी बन गई है। वो अमेरिका के न्यू जर्सी से दक्षिण भारत के केरल के छोटे से गांव में इस कला को सीखने के लिए पहुंच गए। हालांकि प्रतिभा में ये कला सीखने की इच्छा 2020 में जागृत हुई, लेकिन कोविड की बंदिशों के चलते भारत नहीं आ सकती थी, लिहाजा ऑनलाइन ही केरल से संचालित बोधी कलरीपायट्टू सेंटर से इस युद्ध कला को सीखना शुरू कर दिया। वास्तविक शस्त्र तो थे नहीं, लिहाजा स्कीपिंग रोप, पीवीसी पाइप, स्टिक इत्यादि के जरिए ही करीब 1.5 साल ऑनलाइन निपुणता हासिल कर ली। लेकिन असल शस्त्र चलाने के लिए तो गुरु के पास आना ही था, लिहाजा पहुंच गई केरल के छोटे से गांव में। लॉकडाउन के कोविड के टाइम में हम लोग कुछ था नहीं करने का, तो इंस्टाग्राम में मैं देख रही थी, तो मेरे को कलारी पायट्टू जो केरला की मार्शल आर्ट है बहुत ही एंशियंट है, तो मैं जब उनका प्रोफाइल इंस्टाग्राम में देखा तो बहुत पसंद आया। अभी 1.5 साल हो गया मुझे सीखते हुए और मुझे आर्ट फॉर्म इतनी पसंद आई। एक तो लेडीज़ के लिए तो आई वुड से कि ज़रूरी है कि एक सेल्फ डिफेंस। यहाँ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक शस्त्रों तलवार, ढाल, उर्मी, कडारा का बखूबी प्रशिक्षण प्राप्त किया। कलरीपायट्टू की दीक्षा देने वाले भाईजू मोहनदास भी प्रतिभा का जुनून देखकर अचंभित रह गए थे। उन्होंने प्रतिभा को लेडी वॉरियर उन्याचा का टाइटल भी दिया। बता दें कि उन्याचा दक्षिण भारत की महान वॉरियर रही हैं। 23 साल के बेटे व 15 साल की बेटी की मां प्रतिभा पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ फिटनेस व कला को आगे बढ़ा रही हैं। न्यू जर्सी में एक बेहतरीन डांस टीचर के तौर पर बच्चों को कत्थक की दीक्षा भी दे रही हैं। फिर उसके बाद वेपन्स उसमें है जो मुझे और भी प्रभावित करा सीखने के लिए, जैसे तलवार है, उर्मी है, उर्मी सॉफ्ट ब्लेड शार्प होता है वेपन। तो जब मैं वहाँ केरला गई 10 दिन के लिए तो प्रैक्टिस किया मैंने रियल वेपन्स के साथ, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, तो एकदम वॉरियर वाली फीलिंग आ रही थी। तो इतने अच्छे से कर रही थी मैं कि सारे लोग खुश थे मेरे परफॉर्मेंस देख के, तो उन्होंने मुझे वहाँ की एक वॉरियर लेडी थी 14th century की समथिंग उन्याचा, तो उनका टाइटल मुझे दिया। और स्पेशली कि मैं इस एज में 49 की ये सब सीख रही हूँ और इतने अच्छे से कर रही हूँ, आई एम लाइक वन ऑफ द डेडिकेटेड स्टूडेंट, तभी मुझे उन्होंने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी दिया वहाँ पे। मुश्किल तो हम अपने लिए खुद ही करते हैं। हम लोग सोचते कि अभी 50 के हो गए, बूढ़े हो गए, 40 से ही लोग शुरू हो जाते हैं कि बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना है, तब जवानी में नहीं किया बुढ़ापा, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। हम अपने मेंटल ब्लॉक्स खुद ही करते हैं, तो हम लोग अगर नहीं सोचेंगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ, तो हम यंग ही रहते हैं। तो वो सोच जो हमारी है उसको चेंज करो और कोई भी एज में कुछ भी सीखते। मैंने जब शुरू किया था 48 थी, अभी मैं 49 होगी, इस साल मैं 50 की हो जाऊँगी, तो इसलिए कभी भी नहीं सोचो कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ जो भी है, क्योंकि जब आप सीखते हो स्टूडेंट हमेशा यंग ही रहता है। यहाँ तक मेरे को सुनने में आया कि नॉर्थ इंडिया से पहली बार ही कोई उनके गांव में आके पर्सनली सीखा ये सब वेपन्स और आर्ट फॉर्म। नहीं, मैं उस डर से गई नहीं थी, क्योंकि मेरे को अंदर से इतनी एक्साइटेड थी सीखने के लिए कि मेरे को बस सीखना है। तो मुझे लगी भी है इधर उधर, पर एक तो वहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ यूज़ करते कि जहाँ मुझे कट लगे थे, खून निकला था, उन्होंने वो लगाया। पर मेरे पास US से वहाँ पे 10 साल का टेटनेस शॉट लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं हुई कि अगर कुछ हो गया तो। पर हाँ, वही डेडिकेशन एंड स्ट्रांग स्पिरिट चाहिए सीखने के लिए कुछ भी।
मैं पहली NRI थी जो वहाँ पे जाके पर्सनली सीखने गई, तो मेरे टीचर भी बहुत खुश था मेरी परफॉर्मेंस से। मेरा कथक में एक तो नाहन में जब हम बड़े हो रहे थे तो इतना स्कोप नहीं था, कुछ आउटलेट नहीं था। फिर जब मैं चंडीगढ़ कॉलेज के लिए गई, वहाँ पे फिर कॉलेज में सब्जेक्ट था कथक, तो ऑब्वियसली बचपन से नाचने का शौक़ था, डांस सीखने का शौक़ था, पर यहाँ पे नाहन में नहीं मिला कुछ, तो फिर मैंने चंडीगढ़ में ज्वाइन किया कॉलेज में। मैं US में भी डांस सिखाती हूँ, कथक भी, बॉलीवुड भी, तो उसके साथ साथ मैं कलारी भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, क्योंकि एक तो बोला इट्स अ फिटनेस भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और ऊपर से सेल्फ डिफेंस, स्पेशली जो लेडीज़ वगैरह के लिए। और ज़रूरी नहीं है वेपन्स से ही सीखना है, बिना वेपन्स के भी कलारी में कई सेक्शंस हैं जो आप सीख सकते हो। आपके फिटनेस का आप क्या मूल मंत्र मानते हो? आप अपने मूल मंत्र सबसे पहले तो आपकी डाइट है, कि आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, किस टाइम पे खाते हो। तो टाइमिंग तो चलो सबका काम के हिसाब से हो जाता, पर पता अब मैं लेट हो गया खाने के लिए तो हैवी मील नहीं खाओ, कुछ भी हल्का सा, और ये सब्स्टिट्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डाइट फॉलो करो प्रॉपरली, फिर आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है। जब मेरे से नहीं होती तो मैं वॉक पे चले जाती हूँ। तो पर मेरा नहान श्री रेणु कश्यप, प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।